भारत और रूस की दोस्ती बरसों पुरानी है। पीएम मोदी ने अपने हालिया दौरे में इस दोस्ती को और आगे बढ़ाया है। डिफेंस सेक्टर में अक्सर भारत का साझेदार रहे रूस ने एक बार फिर मिलकर साथ काम करने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हालिया दौरे में कई बड़ी डील पर साइन हुए हैं। इनमें से एक डील पर अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल भारत रूस के खास प्रोजेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल को मिली अपार सफलता के बाद दोनों देश फिर साथ आए हैं। भारत और रूस ब्रह्मोस मॉडल की तर्ज पर सुखोई SU-30 को साथ में बनाकर विदेशी खरीदारों को बेचने की तैयारी में हैं। बता दें कि सुखोई SU-30 फाइटर जेट दुनिया भर के कई देशों की वायु सेना इस्तेमाल करती है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स की लिस्ट में शुमार है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ लॉन्च हो सकता है। ये तेज और धीमी दोनों तरह की गति में रहते हुए हवा में कलाबाजियां कर दुश्मन को चकमा दे सकता है। माना जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में इस फाइटर जेट को बनाया जाएगा। इसके लिए HAL और रूसी कंपनी इन विमानों को बेचने के लिए नए सिरे से चर्चा कर रहे हैं। बताया जाता है कि रूस नए ऑर्डर्स के बिना भी इस पहल का समर्थन करने के लिए भारत के साथ सहमत हुआ है। खास बात है कि भारत की विमान बनाने वाली कंपनी HAL ने पहले ही भारतीय वायु सेना को 272 SU-30 MKI की सप्लाई पूरी कर दी है। ये फाइटर जेट आने वाले कई दशकों तक देश की वायु शक्ति की ढाल बने रहेंगे। बता दें कि भारत ने रूस से अलग अलग फेज में 272 SU-30 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इनमें से 222 को HAL ने साल 2004 से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही असेंबल किया था। 272 लड़ाकू विमानों में से 40 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से लॉन्च होने वाले वर्जन को ले जाने में सक्षम हैं। आइए इस फाइटर जेट की खास बातें जान लेते हैं। ये दो सीटों वाला मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान है। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या बदलाव करवाते हैं, जिससे ये जेट अपने देश के भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से तैनात किया जा सके। सुखोई की लंबाई 72 फीट है। इसका विंग स्पैन 48.3 फीट है। ऊंचाई 20.10 फीट है। इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। यह अधिकतम 2,120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी रेंज भी 3,000 किलोमीटर है। उड़ान के दौरान ईंधन मिले तो ये 8,000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। मल्टीपल रैक्स लगाए जाने पर इसमें 14 हथियार लगाए जा सकते हैं। ये कुल 8,130 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। नेटो देश इस फाइटर जेट को फ्लैंकर H नाम से पुकारते हैं। खास बात है कि इस फाइटर जेट का इस्तेमाल चीन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, युगांडा, वेनेजुएला और वियतनाम जैसे देश भी करते हैं। भारतीय वायुसेना पहले ही तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर ब्रह्मोस से लैस स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स को तैनात कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में सुखोई विमानों के बेड़े का भी एक बड़ा अपग्रेडेशन चल रहा है, जिसका मकसद इस फाइटर जेट को साल 2060 तक ऑपरेशन में बनाए रखना है।